नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी के छठवें लेक्चर का दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को थॉरेक्स में लेग पाया जाता है और विंग पाया जाता है, तो इसमें लेग को मैंने पढ़ा दिया था। इंसेक्ट में जो थॉरेक्स पाया जाता है, हेड थॉरेक्स और एब्डोमिन इंसेक्ट में पाया जाता है, हेड के बारे में मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। थोरक्स के बारे में मैं एक पार्ट छठवें लेक्चर का पहला पार्ट मैं थोरक्स के बारे में, जिसमें लेग मैंने पढ़ाया था, लेग के कौन कौन से पार्ट हैं इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लेग। ठीक, अब मॉडिफिकेशन ऑफ लेग में क्या होता है, कीटों की टांगें उनके विभिन्न अनुकूलताओं और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से रूपांतरित हो जाती हैं। मतलब जो कीट की टांगें होती हैं उनकी दैनिक आवश्यकताओं के आधार पर और वातावरण के अनुकूल वो मॉडिफाई हो जाती हैं। कौन कौन से प्रकार से वो मॉडिफाई होती हैं देखते हैं। पहला तो है वॉकिंग टाइप, यानी चलने वाले, रनिंग टाइप दौड़ने वाले, क्लाइनिंग टाइप ठीक, जंपिंग टाइप कूदने वाले, साउंड प्रोड्यूसिंग ध्वनि प्रोड्यूस करने वाले, और उसके बाद स्विमिंग टाइप। अगला क्या है, पॉलन कलेक्टिंग टाइप, फिर ग्रास्पिंग टाइप, डिगिंग टाइप, स्टेकिंग टाइप और क्लास्पिंग टाइप और स्क्रोरिलिंग टाइप। ठीक, क्या है, इस स्ट्रोरियल टाइप। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोरियल टाइप। ठीक, अब इसी प्रकार की ये मुख्यतः टांगें होती हैं। कितने प्रकार की, ये देखो, इतने प्रकार ये और इतने प्रकार ये इतने प्रकार से पौधे कीटों की जो टांगें होती हैं ये मॉडिफाई हो जाती हैं। ये चलने वाली हैं, ये दौड़ने वाली हैं, कूदने वाली, साउंड प्रोड्यूस करने वाली, तैरने वाली, पॉलन को कलेक्ट करने वाली, खोदने वाली, ठीक, इस प्रकार की ये टांगें होती हैं। अब देखते हैं वॉकिंग टाइप टांग कौन सी होती है। वॉकिंग टाइप में यह साधारण प्रकार की टांगें होती है जिसमें कोई रूपांतरण नहीं होता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये चलने के काम में आती है तथा थोड़ा बहुत दौड़ने में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कॉक्सा, ट्रोकांटर, फीमर, टीबिया, टार्सस और प्रीटार्सस। ये तीन और तीन छः भाग जो मैंने पढ़ाए थे थोरक्स के, सॉरी लेग के, इंसेक्ट के लेग के जो छः पार्ट पढ़ाए थे, ये छः पार्ट नॉर्मल फॉर्म में इस टाइप के टांग में उपस्थित होते हैं। वॉकिंग टाइप टांग में ये साधारण प्रकार के होते हैं। अब उसके बाद दूसरा क्या है, रनिंग टाइप। रनिंग टाइप टांगें कैसी होती हैं, यह लगभग चलने वाली टांगों के समान ही होती हैं, परंतु इनका टार्सस अपेक्षाकृत लंबा होता है। इनका जो ये टार्सस होता है, ये वाला टार्सस, ये लंबा होता है और पृथ्वी को छूता रहता है। मान लो ये धरती है, ये तो ये धरती है, तो यहाँ पे ये इसे छूता रहेगा, पूरा टार्सस इतना ये जमीन पर ही रहेगा। ठीक, इनका टार्सस और इसके जो टार्सस के खंड होते हैं, ये देखो बड़े बड़े खंड हैं। ठीक, तो ये क्या करते हैं, दौड़ने में मदद करते हैं। अब अगला क्या है, क्लाइनिंग टाइप। इस प्रकार के टांगे छोटी और चपटी होती हैं। ठीक, छोटी होंगी, इतनी बड़ी देखो टांग है, देखने से ही छोटा लग रहा है, छोटी होती हैं और चपटी होती हैं। कोक्सा, ट्रोकेंट तथा फीमर साधारण होते हैं। कोक्सा, ट्रोकेंटर और फीमर, ये तीनों जो होते हैं ये साधारण होते हैं, जबकि ये टीबिया जो होती है मजबूत होती है। इसके अंतिम सिरे पर एक अंगूठे जैसी रचना होती है। टीबिया पर ये जो अंगूठा, अंगूठे जैसी रचना दिख रही है, ये अंगूठे जैसी एक रचना होती है। इसका टार्सस एक खंडीय और बलदार होता है। इसका जो टार्सस होता है, ये टार्सस ऐसे मुड़ा होता है, जैसे हम लोगों का हाथ होता है, हाथ में एक ये अंगूठा होता है और ये पांच ऐसे उंगलियां, चार ऐसे उंगलियां होती है। ठीक, तो ये ऐसे किसी चीज़ को, अगर कोई यहाँ है एक चीज़ तो इसको पकड़ने के काम में आता है। ये हमारा हाथ ऐसे पकड़ता है, इस चीज़ को इसे पकड़ना होगा तो इधर ये अंगूठे से और इधर उंगलियों से पकड़ लेगा। वैसे ही इंसेक्ट में भी होता है। ठीक, इंसेक्ट में जो ये अंगूठा, ये अंगूठे का काम करेगा और ये उंगली का काम करेगा, तो ये किसी चीज़ को ऐसे पकड़ने का काम करते हैं। ठीक, अब अगले प्रकार का क्या है, जंपिंग टाइप। ये कूदने वाले पैर होते हैं। इस प्रकार के टांगें टिड्डे, झिंगूर, फ्लाई बीटल आदि में मिलती हैं। इन टांगों की, इन कीटों की पिछली टांगें
फीमर मोटी होती है क्या? ये जो इसका फीमर होता है ये मोटा होता है तथा शक्तिशाली होता है, जिसके अंदर मजबूत मांसपेशियां होती हैं। इसके साथ साथ इसकी टीबिया भी लंबी होती है। इसकी जो ये टीबिया होती है ये भी लंबी होती है और ये भी मजबूत होती है। इसके अंतिम सिरे पर बाहर की ओर कांटे लगे होते हैं। टीबिया का जो अंतिम सिरा होता है यहाँ पर कांटे लगे होते हैं। इनका टार्सस 3 खंड का होता है। ठीक, इनका जो ये टार्सस होता है, ये वाला टार्सस ये 3 खंड का बटा होता है, जिसमें क्रासा, प्री टार्सस, मेजो टार्सस और मेटा टार्सस कहते हैं। ठीक, ये होता है क्या टार्सस, ये प्री टार्सस, मेजो टार्सस और मेटा टार्सस, ये इसका टार्सस 3 प्रकार का होता है। ये बहुत बलशाली होती हैं, ये ज़्यादा बलशाली होंगी तभी कूदने में काम आएंगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लंबी छलांग मारते हैं, लॉन्ग जंप वाले जो प्लेयर होते हैं, उनकी जांघें बड़ी मजबूत होती हैं। वो जांघों को मजबूत करने के लिए उठक बैठक यानी कि डंड बैठक भी करते हैं। ठीक, तो उनकी जांघें मजबूत होती हैं। तो जो फीमर होता है ये जांघ टाइप का ही होता है, जिसको हम कह सकते हैं कीट की ये जांघ है, तो ये जंपिंग टाइप में बहुत मजबूत होता है। ठीक, इसका जो अभी यहाँ मैं बता रहा था थोड़ा गड़बड़ हो गया था, टार्सस इसका यहाँ 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 ये 3 खंड का बना होता है, समझ गए? अब देखो आगे क्या है, साउंड प्रोड्यूसिंग टाइप। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की टांगे टिट्टे झींगुर के नर कीटों में पाई जाती हैं। बनावट में यह कूदने वाले की तरह ही रहता है। अंतर केवल इतना होता है कि इसका जो फीमर होता है, इसका फीमर इसके अंदर वाले किनारे पर खूंटियां बनी रहती हैं। ठीक, ये कतार में होती हैं, जिसको हम फाइल कहते हैं। खूंटियों को पंखों की सतह पर उधर से रगड़ने पर, पंखों की सतह पर ये जो होते हैं इसके फाइल्स, ये उधर पर पंखों की सतह के उधर पर रगड़ते हैं, और इसे रगड़ने की वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है। जब ये उड़ते हैं तो इसके पंखों के नीचे जो उदर होता है, उसे उदर पर इनके ये फाइल्स जो होते हैं ये रगड़ते हैं, तो रगड़ने की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ये डिगिंग टाइप है, यानी कि ये खोदने के काम में आते हैं। कुछ कीटों की अगली जोड़ी टांगें खोदने वाली टांगों में बदल जाती हैं। इस प्रकार की टांगें छोटी अति मोटी, ये टांगें छोटी सी होती हैं और बहुत मोटी होती हैं। ठीक, और शक्तिशाली होती हैं। अगर शक्तिशाली नहीं होंगी तो खोदेंगी कैसे, यानी कि शक्तिशाली होती हैं। जिसके सिर पर कड़ी दांतें होती हैं, यहाँ पर ये दांतें होती हैं, यही कड़े कड़े दांत जो टार्सस होता है, ये दांत का रूप ले लेता है और यही खोदने के काम में आता है। इनका कोक्सा छोटा और चौड़ा होता है, इनका ये कोक्सा जो है ये छोटा और चौड़ा होता है। ट्रोकाइंटर जो होता है इसका, ये ट्रोकाइंटर ये वाला जो भाग है, ये ट्रोकाइंटर इसका मोटा होता है, मजबूत और फीमर बड़ा और शक्तिशाली होता है। इस प्रकार की टांगे मोल क्रिकेट ग्राइलोटेल्पा तथा साइकेडा के निम्फ आदि में मिलते हैं। ये उसको पढ़ने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मेरे मोबाइल में किनारे किनारे बना रहता है, जिसकी वजह से मैं देख नहीं पाता हूँ, तो कभी कभी मुझे पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग ये ना समझिएगा कि कुछ और बात है, समझ गए? तो ये प्रकार की टांगें होती हैं, खोदने के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं। छोटी छोटी टांगें रहती हैं और सभी भाग बड़े बड़े रहते हैं। इसका जो टॉर्सस होता है ये किस रूप में बदल जाता है, ये कांटे के रूप में बदल जाता है, नाखूनों के रूप में, जो खोदने के काम में आता है। अब स्विमिंग टाइप में इसका जो ये टार्सस होता है ये पतवार के रूप में बन जाता है, पतवार पे ये रोम रोम निकल जाते हैं, तो ये पतवार की तरह रहता है, तभी इसमें क्या होता है, ये तैरने के काम में आती हैं। ये पतवार का काम करता है, पानी को पीछे ढकेलता रहता है और कीट आगे बढ़ता है। इस टांगों की सहायता से कीट पानी में तैर सकते हैं। ऐसी टांगें फैलकर चपटी पतवार की तरह हो जाती हैं, जिसमें कोक्सा और ट्रोकेंटर साधारण तथा छोटे होते हैं। इसमें जो कोक्सा होता है और ट्रोकेंटर, ये साधारण रूप से होते हैं और छोटे होते हैं। यही टार्सस जो होता है इसका बड़ा होता है और पतवार के जैसा होता है, और इसका फीमर भी ऐसे पतला होके चौड़ा हो जाता है, और टीबिया भी इसका पतला होके चौड़ा हो जाता है, जो तैरने में मदद देता है, जो तैरने में मदद देता है और कीट कायदे से तैर सकते हैं। पॉलन कलेक्टिंग टाइप, इसमें जो पॉलन कलेक्ट करने के लिए होता है, तो कीटों के यहाँ पर ये जो होता है इसका जो इसका क्या होता है टीबिया और ये फीमर टीबिया टार्सस जो इसका होता है, ये पॉलन कलेक्टिंग टाइप, यहाँ पे एक पॉलन ब्रश लगा होता है। यही क्या करता है, पॉलन ब्रश जब किसी पौधे पे बैठेगा, किसी पौधे के फूल पे,
तो पॉलन जो होंगे वो पॉलन इसी पॉलन ब्रश में लग जाएंगे, और जब ये किसी और दूसरे पौधे पे बैठेगा तो वहाँ पे पॉलन झड़ जाएंगे। तो इसके इसी इसकी वजह से इसमें क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलन कलेक्टिंग टाइप कहते हैं। इस प्रकार की टांगें मजबूत मधुमक्खियों में पाई जाती हैं जो कि मेटाथोरिक्स की टांगों का रूपांतरण होती है। ये जो होती है ये मेटाथोरिक्स के टांगों का रूपांतरण होती है, लंबे और घने बालों से ढकी रहती हैं, इनका प्रथम खंड बड़ा और चौड़ा होता है, समझ गए। अब इसके बाद एक ग्रेस्पिंग टाइप, इस प्रकार के कीटे शिकारी कीटों जैसे मंट आदि से मिलती हैं, इनमें कोक्सा काफ़ी लंबा होता है। इनमें जो कोक्सा है, देखो कोक्सा कितना बड़ा है, जबकि और सब में कोक्सा छोटा होता था, तथा कभी कभी फीमर के बराबर होता है, कभी कभी ये फीमर के बराबर, देखो ध्यान से देखो, ये फीमर के ही बराबर लग रहा है, इतना बड़ा ये और इतना बड़ा ये, तो ये फीमर के बराबर होता है। टार्सस भी लंबा और बलदार होता है, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, तो इसको ग्रेस्पिंग टाइप में होता है। ग्रेस्पिंग टाइप का सबसे अच्छा मतलब सबसे अच्छा याद करने का तरीका क्या है, कि इसका जो एक कोक्सा और फीमर जो होता है, ये दोनों एक ही टाइप से लंबा होता है, दोनों ही बड़े बड़े होते हैं। अब इसका स्टिकिंग टाइप, यह घरेलू मक्खियों में पाई जाती है। इसमें एक जोड़ी पंख के अतिरिक्त एक जोड़ी पलविलाई होती है, जिस पर घने खोखले बाल लगे होते हैं, जिससे एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो मक्खियों को चिपकते चिकनी सतह पर भी चलने और फिसलने से रोकता है, ठीक। इस पे इनके इनके क्या होता है, इस पे घने घने बाल होते हैं, ये देखो ये बाल लगे हैं, तो इसी बालों की वजह से बाल लगे होते हैं, और इन्हीं से एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है जिससे ये चिकनी सतह पर चल सकते हैं, ठीक। स्टिक माने चिपकना, यानी कि चिपकने टाइप का चलते हैं या चिपक चिपक पे चलते हैं, ये वाले जो बाल होते हैं इन्हीं से एक स्राव निकलता है, यही स्राव चिपकने में मदद करता है। फिर अगला क्या है, क्लाइपिंग टाइप, यानी कि ये हेमिप्टेरागढ़ के कुछ कीटों में पाए जाते हैं। इसमें जो कोक्सा होता है, ये वाला कोक्सा जो होता है वो ट्रोकोइंटर साधारणता छोटे और फीमर मोटी होती है। कोक्सा और जो ट्रोकोइंटर, ये दोनों छोटे छोटे हैं, जबकि ये फीमर जो होता है मोटा सा और बड़ा होता है। टीबिया जो होता है ये पतला सा होता है और अंदर की ओर फीमर की तरफ मुड़ा होता है, ऐसे अंदर की तरफ ये फीमर है, इसी की तरफ ऐसे अंदर को ये मुड़ा होता है। इसी के साथ टार्सस जो एक खंडीय होता है ये भी मुड़ा रहता है। ये टार्सस जो एक खंड का होता है ये भी ऐसे अंदर की तरफ मुड़ा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लैस्पिंग टाइप लेग ऑफ इंसेक्ट। अब दूसरा क्या है, सेक्टरिंग टाइप का, ठीक। इसमें इस प्रकार की टांगे मेल मेल सिर क्या लिखा सिरकस मेल सिरकस में पाई जाती हैं। अगली टांगे एक जोड़ी मिलती हैं, इसका कोक्सा व ट्रोकोइंटर छोटे, इसका जो कोक्सा होता है और ट्रोकोइंटर होता है दोनों छोटे छोटे होते हैं। टीबिया जो इसका होता है ये क्या होता है, टीबिया छोटी और मोटी होती है, टीबिया कुछ चपटी भी होती है, और ये टीबिया जो होती है ये चपटी और मोटी होती है, और टार्सस इसका जो होता है ये पांच भागों में बटा होता है, खंडहीन होता है, जिसमें प्रथम तीन खंड एक गेंद के समान रचना बनाते हैं। एक दो तीन, ये जो तीन खंड इसके हैं ये वाले गेंद के समान रचना बनाते हैं, जिनके किनारे में बाल लगे होते हैं। देखो ध्यान से, बाल दिख रहे हैं, बाल लगे रहते हैं। इसके साथ ही प्रथम खंड पर दो वैक्यूम कैप होते हैं, ये प्रथम दो खंड जो होते हैं इस पे क्या होता है, वैक्यूम कैप होते हैं, जो किसी आधार पर मादा को पकड़ने के काम में आते हैं, क्योंकि ये मेल में पाए जाते हैं तो ये मादा के पकड़ने के काम में होते हैं, ठीक। तो ये किस तरह कैसा है, सेक्टोरियल टाइप का ये क्या है, लेग, ठीक। तो ये 12 मुख्य प्रकार के लेग के मॉडिफिकेशन थे जो मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर समझने में कुछ दिक्कत हुई हो तो आप फिगर को ध्यान से देखें, और फिगर को ध्यान से देखने के बाद फिर उसको जो मैंने इसमें लिखा है इसको पढ़ने का प्रयास करें, और जो मैंने कहा है इसको धीरे धीरे समझने का प्रयास करें, तो आपको ये कायदे से समझ में आ जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। अब अगला क्या है, अगला एक स्ट्रक्चर पाया जाता है पंख, जिसको हम विंग कहते हैं। इंसेक्ट का जो थोरेक्स होता है, थोरेक्स पे दो प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो लेग पाया जाता है, जिसके बारे में मैं पूरी जानकारी दे चुका,
लेग के पार्ट कौन कौन से हैं और लेग का मॉडिफिकेशन क्या है और इसका क्या क्या काम है ये बता चुका। अब मैं पंख बताऊंगा कि पंख क्या होता है। कीटों में प्रायः दो जोड़ी पंख होते हैं, ठीक, ये दो इधर रहेंगे और दो इधर रहेंगे और यहाँ बीच में इसका थोरेक्स रहेगा। तो ये दो जोड़ी पंख मिलते हैं। कुछ गणों में यह अनुपस्थित भी होता है, कुछ में ये नहीं पाया जाता, जैसे जो दीमक उमक होती है दीमक में पंख ही नहीं पाया जाता, जबकि कुछ में एक जोड़ी ही दिखाई देता है, कुछ में एक जोड़ी ही रहता है और कुछ में एक भी नहीं रहता। अब सबसे अंतिम खंड जो है कीट का हेड हो गया, थोरेक्स हो गया, अब अंतिम खंड क्या है, एब्डोमिन है। यह कीट के शरीर का तीसरा और अंतिम भाग है तथा 10-11 खंडों का बना होता है। टिड्डे में 10 ही खंड होते हैं जो कि छल्ले के आधार के बने होते हैं, ऐसे ऐसे बने होते हैं, ऐसे ऐसे 6 खंड ऐसे ऐसे लगे होते हैं, ठीक। ये जो 10 खंड होते हैं, 10 खंड ऐसे ही लगे होते हैं। इनका इनके ऊपर क्यूटिकल का बना हुआ भाग टार्गल प्लेट कहलाता है। ये ऐसे ऐसे लगे होते हैं भाग, ये क्यूटिकल के बने होते हैं, तो ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, टर्गल प्लेट कहते हैं, ठीक। थैंक फॉर द अटेंडिंग माई क्लास। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड धन्यवाद।